हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसटीआरसी वर्सेस ओसीसी के बीच में होने वाला 5th एंड 6th T10 मैच के बारे में। तो दोस्तों, अगर लीग की बात करें, फ्रैंकफर्ट ईसीएस T10 बेल्जियम का लीग है और ये जो मैच है दोस्तों 12 बजे और 2 बजे दोपहर को खेला जाएंगे। पिच बैटिंग के लिए फेवरेबल है, एवरेज स्कोर यहाँ पर 100 से 120 रन बनेंगे और ये जो मैच है दोस्तों रिचब्रोक क्रिकेट ग्राउंड मैकलेन बेल्जियम में खेला जाएंगे। अगर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें दोस्तों, 12 सीसी ने लास्ट में कल 2 मैच खेले दोस्तों, दोनों मैच कल हार गए, लेकिन ऑस्टिन क्रिकेट क्लब जो है दोस्तों आज डेब्यू मैच करने वाला है। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो आप एक बार देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पर 12 स्टार्स क्रिकेट क्लब की बात करें 2 में से 2 मैच हार के दोस्तों यहाँ पर 5th पोजीशन पे, और वही ऑस्टिन सीसी की बात करें डेब्यू मैच होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों टीम की प्लेयर स्टैट्स दूंगा। 12 स्टार्स क्रिकेट क्लब की विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स में कौन आएंगे। इसी प्रकार दोस्तों ऑस्टिन क्रिकेट क्लब की बात करें, यहाँ पर विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स में कौन आएंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जानने से पहले दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैंने कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया, आप वहाँ जाकर एक बार लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार आपको फाइनल टीम फर्दर अपडेट सब कुछ दिया जाएंगे। कल जो मैच हुआ था दोस्तों T10 का, एकदम मेगा क्लीनशिप किया दोस्तों, 5 में से यहाँ पर फर्स्ट रैंक आए। अगर आपको मैं भी मैं हमेशा की तरह आज भी बता रहा हूँ, अगर आप मेरे टीम के साथ हेड टू हेड और 3 स्पॉट्स अगर आप खेलते हो तो दोस्तों हमेशा विनिंग में रहोगे, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर बाई मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता दोस्तों तो क्या करना आपको, तो दोस्तों टेलीग्राम पर जाके इस तरह सर्च करना, @शत्रुघ्न मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। आपको कोई अगर याद नहीं आया तो मेरे चैनल का नाम याद रख लेना, 225 दोस्तों आप देख सकते हो। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, वेट कर लीजिएगा यहाँ पर। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मेरे चैनल का लिंक ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये जो चैनल है 1100+ यूजर्स ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन एक और चैनल है दोस्तों, ये फेक चैनल है, इससे आप दूर रहिएगा। इससे आप कितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि दोस्त बंदे लोग यहाँ पर फेक चैनल्स बना रहे हैं। तो जो मेन चैनल है दोस्तों यही है, आपको कैसे समझे कि मेन चैनल है। तो दोस्तों आपको यूट्यूब का लिंक इस तरह पड़ा रहेंगे, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ उस एप्लीकेशन लिंक रहेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन शॉट्स, उसके बाद इन्फॉर्मेशन, मैचेस का सारा चीज़ यहाँ पर आपको डिटेल्स देंगे। लेकिन यहाँ पर ये कोई पेड टीम वाइट टीम नहीं रहेगा दोस्तों, ओनली यहाँ पर फ्री टीम मिलेगा और सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्स एक्सप्लेन किया जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लेट नहीं करेंगे, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर 12 स्टार्स क्रिकेट क्लब के लिए बात करें दोस्तों, यहाँ पर विकेट कीपर में आपको अर्शजीत घोष है। अगर इनकी बात करें, लास्ट मैच तो मौका नहीं मिला, 57 मैच में 629 रन, 1 विकेट है। राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड स्लो बॉलर है दोस्तों। यहाँ पर परमजीत सिंह ने लास्ट मैच में 17 रन और 26 रन बनाए। अगर 2 मैच में कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों 2 मैच में 43 रन है, और रौनक जैन की बात करें 4 रन और 2 रन बनाए, 2 मैच में 6 रन है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बैट है विकेट कीपिंग की बात करें, परमजीत सिंह को आप यहाँ पर कंफर्म कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन में बात करें तो यहाँ पर अश्वेर सिंह है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलर है। 2 मैच खेले हैं दोस्तों, 6 रन 20 रन बनाए, कुल मिला के 2 मैच पर 26 रन होता है। उसके बाद साजिद हुसैन की बात करें, यहाँ पर 28 रन और 4 रन 0 विकेट है। अगर पूरा कुल मिला के सीजन में देखा जाए तो 2 मैच में 2 इनिंग्स में 32 रन है दोस्तों, 1 ही इनिंग में गेंदबाजी की 0 विकेट मिला दोस्तों, यही पर मैं स्टैट्स लिखा हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों ये जो प्लेयर है यहाँ पर 1 इनिंग में गेंदबाजी की है। राजीव शर्मा की बात करें, 2 मैच में 0 3 रन बनाए, कुल मिला के 2 मैच में 3 रन है। तो दोस्तों जो पहला दूसरा प्लेयर है अश्वेर सिंह और यहाँ पर सजद हुसैन को आप टीम में ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर्स की बात करें, अनिरुद्ध गॉड बॉल है दोस्तों। यहाँ पर अगर रन की बात करें, लास्ट मैच में 0 रन 1 विकेट 1 रन 1 विकेट है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो 2 मैच में 1 रन और 2 विकेट इनके पास है। उसके बाद भारत अम्मू की बात करें, अभी तक तो मौका नहीं मिला दोस्तों, 2 मैच में 5 मैच में 23 रन है दोस्तों, राइट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। उसके बाद फखर जमान की बात करें, लास्ट मैच में 0 रन 2 विकेट है, फिर 7 रन 1 विकेट है दोस्तों यहाँ पर। अगर कुल मिला के टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 2 मैच में 7 रन 3 विकेट है। तो यहाँ पर बॉलिंग के हिसाब से आप यहाँ पर फखर जमान को पिक कर सकते हो। नुमान अफरीदी की बात करें, अभी तक तो नहीं खेले दोस्तों यहाँ पर। प्रणीत वुडिकाला की बात करें, 1 मैच नहीं खेले, 1 मैच में प्लेइंग 11 में थे लेकिन मौका नहीं मिला। हाज का मतलब है दोस्तों प्लेइंग 11 पे है लेकिन बॉलिंग बैटिंग कुछ मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर अगर आपको प्लेयर्स को पिक करना है, अनिरुद्ध गॉडबॉल, उसके बाद फखर जमान, इन दोनों को पिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर गेंदबाजी में बात करें, अमरुल्ला रॉडवेल है दोस्तों, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलर है। लास्ट मैच तो प्लेइंग 11 में थे लेकिन मौका नहीं मिला। पहला मैच में 2 रन 1 0 विकेट है। अगर कुल मिला के सीजन में बात करें, 2 मैच 1 इनिंग में बैटिंग किया, 2 रन लिए और 0 विकेट इनको मिला दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आते हैं श्रीकांत वेंकट सुब्रमण्यन है दोस्तों यहाँ पर, श्रीकांत वेंकट सुब्रमण्यन। अगर इनकी बात करें, 11 मैच में 67 रन 15 विकेट, अभी तक तो नहीं खेले। विशाल रामटेकी की बात करें, 4 रन 1 विकेट, लास्ट मैच नहीं खेले दोस्तों, 1 मैच में 4 रन 1 विकेट है। उसके बाद तुफाली अहमद की बात करें, लास्ट
में 5 रन 2 विकेट है, 4 रन कोई विकेट है, 2 मैच में 9 रन 2 विकेट है। नेमिश मेहता की बात करें दोस्तों यहाँ पर 18 रन 1 विकेट है, 23 रन 1 विकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के कितना होता है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर। तो टोटल करते हैं दोस्तों यहाँ पर पूरे 2 मैच खेले हैं, 2 मैच में दोस्तों यहाँ पर पूरे 18 और 23 रन, 20+38, 38+41 रन हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, 41 रन, और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 2 विकेट है। तो इस प्लेयर को आप जरूर कंफर्म कर दीजिएगा दोस्तों, नेमिश मेहता एक अच्छा पिक रहेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तुफाली अहमद को आप टीम में ले सकते हो। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पर काफ़ी है दोस्तों, ये 2 बॉलर्स आपको टीम में काफ़ी है। अगर आप लेना चाहते हो तो अमरोला रॉडवेल को ले सकते हैं, लेकिन मैं टीम में नहीं ले रहा। तो दोस्तों यहाँ पर एक टीम की स्टार्ट्स देखने के बाद दोस्तों 12 स्टार्स की आप यहाँ पर ऑस्टिन क्रिकेट क्लब की देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस टीम डेब्यू मैच कर रहे इस सीजन में। यहाँ पर जमान फारूक की बात करें 7 मैच में 93 रन कोई विकेट नहीं है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद राइट हैंड बैट्समैन है अब्दुल्ला रहमान की बात करें, अब्दुल रहमान अगर इनकी बात करें 3 मैच में 46 रन कोई विकेट नहीं है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड फास्ट बॉलर है। अब्दुल मोहम्मद की बात करें लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड स्लो बॉलर है दोस्तों यहाँ पर, 12 मैच में 187 रन 2 विकेट है। उमिदी रहमान की बात करें 2 मैच में 28 रन 0 विकेट है। तो यहाँ पर जो पहला दूसरा प्लेयर है अब्दुल मोहम्मद, फिलहाल इनको मैं पिक करूँगा, बाकी प्लेयर्स को अवॉइड कर रहा हूँ। अगर आपको लेना तो दोस्तों अब्दुल रहमान को ले सकते हो। अब यहाँ पर ऑलराउंडर्स में यहाँ पर किसको पिक करना है, एम बुखारी है दोस्तों यहाँ पर। एम बुखारी की बात करें 7 मैच में 79 रन 4 विकेट है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर है। अमर हुसैन यहाँ पर 5 मैच में 102 रन 1 विकेट है, और मोहम्मद सिराज शेख की बात करें 9 मैच में 156 रन 5 विकेट है दोस्तों यहाँ पर। तो 2 बार टाइप हुआ दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मोहम्मद सिराज, उसके बाद दोस्तों एम बुखारी को आप टीम में ले लीजिए, आमिर हुसैन एक बल्लेबाज समझ के आप टीम में यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों गेंदबाजी में अहमद खालिद है दोस्तों यहाँ पर, 10 मैच में 188 रन 7 विकेट है, ऑलराउंडर के रूप में यूज आएंगे। फाहिम भट्टी की बात करें 4 मैच में 59 रन 2 विकेट है। अताउल्ला कलील की बात करें 11 मैच में 134 रन 7 विकेट है। उसके बाद नूरुल्लाह सिद्दीकी की बात करें 12 मैच में 49 रन 9 विकेट है। तो यहाँ पर आपको मैं नूरुल्लाह सिद्दीकी, अताउल्ला कलील, उसके बाद दोस्तों अहमद खलील, यहाँ पर अहमद खलील, ये तीनों बॉलर्स को ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम के स्टार्ट्स देखने के बाद अब हम लोग फाइनल टीम बनाएंगे। तो फाइनल टीम की बात करें यहाँ पर मैं बना के रख चुका हूँ, विकेट कीपर में परमजीत सिंह आएंगे, और बैट्समैन में दोस्तों यहाँ पर सजद हुसैन, अब्दुल रहमान और ये सिंह है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद गेंदबाजी में बुखारी, ये हुसैन और गॉड बॉल है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद गेंदबाजी में टी अहमद, अहमदी कलीद, और यहाँ पर फयम भट्टी। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर एन मेहता, ये 4 बॉलर्स को यहाँ पर मैंने पिक किया। तो दोस्तों एक बार टीम को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे दोस्तों, वाइस कैप्टन पे गॉड बॉल है, और वाइस कैप्टन पे यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर एस हुसैन है। तो दोस्तों ये जो टीम है फिलहाल इस टीम को आप सेव करके रख सकते हो, क्योंकि सेव करेंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि लास्ट मिनट पर एडिट करने में दिक्कत नहीं होंगी। और फाइनल टीम जो होगा दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम पर दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स वहीं पर मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इस टीम को सेव करके रख लेना दोस्तों, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।